हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? कुछ एक सीरीज देख रहा था मैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मैं अभी रिव्यू नहीं कर पाया, उसके थोड़े से एपिसोड बचे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसका नाम है द इम्परफेक्ट्स। ये नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगी, हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कुछ, ये ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब है जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप बोलोगे कि यार ये हम सुन चुके हैं। इस कहानी में कुछ तो डिफरेंट है और कुछ रन ऑफ द मिल है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। द इम्परफेक्ट्स के अंदर आप देखोगे तीन ऐसे लोगों की कहानी, एबी, हुआन और टिल्डा, जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ एक सुपर ह्यूमन मॉन्स्टर लाइक चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, और वो उसका अटेम्प्ट करते हैं कुछ ही तरीके से क्योर ढूंढने के लिए। जब नहीं मिलता तो उनको ये पता चलता है कि जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है उस डॉक्टर को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन है एक यूजली होती ही है फ्लक्स नाम की, उसको भी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी का जो सुपर पावर है वो इस तरीके का है कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसको कंपेल करके कुछ भी करा सके। हुआन एक एनिमल चुपा कोबरा बन टाइप का कुछ बन जाता है, चूजा सा लेकिन खूंखार सा बन जाता है। टिल्डा के जो वोकल कॉर्ड्स हैं और जो हियरिंग एनहांसमेंट्स हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, जिनसे ये लोग खुश नहीं है, दे वांट टू बी नॉर्मल। और ये तीनों की अपनी अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी है। अब जिसमें जो चीज़ अलग रखी गई है वो है इसकी टोनैलिटी, और ये मिस्टीरियस सी चीज़ के किसको ढूंढने का है। लाइट टोनैलिटी, अच्छे ग्राफिक्स, एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन जो वे ऑफ अप्रोच है वो रखा गया है। तो इसके अंदर आपको फाइट्स वगैरह कम दिखेंगी, जो इसका प्लस और माइनस बोथ है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की सीरीज देखते हैं तो आपका मन ये होता है कि आपको अलग अलग तरीके की सुपर नेचुरल फाइट्स देखने को मिले या फिर कुछ एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखने को मिले, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट होती तो है लेकिन काफी कम होती है। काफ़ी सारी अननेसेसरी आपको इक्वेशंस भी नज़र आएंगी, बिकॉज ये जो तीनों हैं, हुआन हो गया जो सबसे ज़्यादा कूल लगा मुझे इसके अंदर से, और एबी और टिल्डा, इनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो 10 एपिसोड तक इतने घसीटते रहते हैं कि आप थोड़े से बोरियत आपको महसूस होने लग जाती है। फिर अल्टीमेटली वो जो प्रीची मॉडल शुरू हो जाता है कि टीम बॉन्डिंग इज मस्ट टू डिफीट द एनिमी, वो सब चीज़ें इसकी रन ऑफ द मिल थोड़ी सी हो जाती हैं। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इस सीरीज़ के अंदर, जो अचानक से थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर गई, वो ये थी कि इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हुई, और ऐसा लग रहा था कि कुछ बिल्डअप होकर कुछ बड़ा होगा, बट इसको टर्मिनोलॉजी लेवल पे यूज कर लिया, इसको इन डेप्थ इफेक्टिवली यूज नहीं किया, तो वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि अगर उसको और यूज कर लेते तो शायद ये जो द इम्परफेक्ट्स है और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती। और इन तीनों की जो बैक कहानी है वो थोड़ी फोर्सफुल मुझे लगी, जिसकी वजह से इसकी लेंथ भी 10 एपिसोड की होगी। अगर मुद्दे पे रहते तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता, क्यों वो आज ऐसा बिहेव कर रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है उसकी इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं एक्चुअली के अंदर। वो आज भी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उससे भी हमें ठीक ठाक समझ में आ रहा था इस सीरीज के कंस्ट्रक्ट के हिसाब से। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा वो रहेगा 5 out of 10। वॉच इट फॉर द मिस्टीरियस नेचर, वॉच इट फॉर द सस्पेंस टिल द एंड, दो इट इज ऑब्वियस, एंड द इन्वेस्टिगेशन मॉडल अगर आपको उस तरीके का पसंद है, और लाइट टोन रखी गई है इसके अंदर। बाकी हम जल्दी मिलते हैं होपफुली विद अ बेटर सीरीज, बने रहिए, और हम जल्दी मिलते हैं कल। अगर कोई और ऐसी मूवी या फिर कोई ऐसी वेब सीरीज है जो आपको लगता है मुझे रिव्यू करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इंटरेक्शन करनी है अलग से तो यहां तो प्राइवेट हो नहीं पाती है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, जहां पर मेरा आईडी मूवी शूवी है। बाय बाय।